सिंगरौली जिले के शासन में डीएपी खाद बीज विक्रेता निकला मिलावटखोर। डीएपी खाद में मिट्टी कंकड़ मिलने पर ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। किसान राजेंद्र शाह ने बताया कि डीएपी खाद खरीद कर जब घर में बोरी खोली तो खाद की जगह मिट्टी कंकड़ मिले। जब विक्रेता केदारनाथ गुप्ता के गोदाम में गया, जहां केदारनाथ से सारी बातें बताई, लेकिन विक्रेता कहने लगा हमारे यहां की नहीं है। यहां मौजूद अन्य ग्रामीणों ने डीएपी खाद की दूसरी तीसरी बोरी खोली तो दोनों में ही काली मिट्टी और कंकड़ निकले, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूरे बालू डाला है, जरा 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 यह सेठ जी लंगर खादी बेचते हो माटी इसको नहीं है। हमारा पैकिंग नहीं है। सिंगरौली ग्रैंड ग्रैंडी नाम है साधु शरण का। साधु शरण ने हमें माल लिया था। ठीक है, बोलने दीजिए ना उसको। ठीक है, डैमेज है उनका नाम है, माल रिटर्न ले लिए। और उसमें क्या है, उनको 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 हमको सिंगरौली ग्रैंड साधु शरण के यहाँ से माल गिराते हैं। वहीं एक पत्रकार सारी घटना मौके पर कैद करने लगा। तभी मौके पर एक शासन पुलिस चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी पत्रकार से अभद्रता करते हुए कैमरा बंद करने के लिए दबाव बनाने लगा। पत्रकार से कार्ड पूछने लगा, कहने लगा क्या तुम वाकई पत्रकार हो। तब पत्रकार ने अपना परिचय भी दिया, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसकी एक ना सुनी और लगातार कैमरा बंद करने के लिए दबाव बनाता रहा। पुलिसकर्मी ने विक्रेता केदार की करतूतों पर पर्दा डालने की भरसक कोशिश की। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में उक्त मिलावटी दुकानदार के साथ पुलिसकर्मी भी भ्रष्टाचार में लिप्तता के आरोप में संदिग्ध पाए जा रहे हैं। वहीं पत्रकार को किसी मिलावटखोर को कवरेज करने से रोकने और पत्रकार पर दबाव बनाने जैसे कार्य करने में पुलिसकर्मी की भी जांच होती है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।